नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक फ्रॉम द जॉस ऑफ डेंजर। टाइगर एक ऐसा जानवर है जंगल का, जिसको लेके कहानियां सच्चाई डेथ्स जंगलों में होती रहती है। परसों ही कॉर्बेट में एक टाइगर ने एक 65 साल के इंसान को मार दिया, और जितने लोग गवर्नमेंट के थे गए थे शाम के टाइम पे उस टाइगर को ट्रैंकलाइज करके रेस्क्यू सेंटर भेज भी दिया गया। ये वही टाइगर है जो बहुत दिनों से महान एरिया में ऑपरेट कर रहा था, और नवंबर में एक लेबर के ऊपर भी महान में उसने चार्ज किया था और बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। और सुनने में आया है, क्या फैक्ट है वो तो मैं नहीं जानता, कि 15-20 दिन के बाद जिस पर अटैक हुआ था वो लेबर, वो भी अपनी इंजरीज से सकम कर गया, यानी उसकी मौत हो गई। तो अगर यही टाइगर है तो ये उसकी दूसरी ह्यूमन किल। जैसे मैं सुनता रहता हूँ कि कॉर्बेट के अंदर जब तक एक टाइगर तीन चार किल ना कर दे ह्यूमन बींग की, उसको सरकार मैनेटर डिक्लेयर नहीं करती है। अब इनकी क्या पॉलिसी है मैं नहीं जानता हूँ, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जानवर जो अपने ही जंगल में रहता है, बट क्योंकि इंसानों की बस्तियाँ बहुत हो गई हैं इर्द गिर्द, जब किसी इंसान को मारता है तो उसकी सजा बहुत लंबी इसको भोगनी पड़ती है। या तो ये रेस्क्यू सेंटर पे रहता है, या फिर बाद में जितने मैनेटर्स हुए हैं वो जू भेज दिए जाते हैं, और जू के कटघरे में उनकी पूरी जिंदगी कट जाती है। एक यूट्यूबर ने मेरे को क्वेश्चन किया था, या क्वेश्चन पुटअप किया था अपने सब्सक्राइबर से, कि इसको आप क्या मानते हैं, उसमें गलती जानवर की ज्यादा है कि इंसान की ज्यादा है। अगर वो कोर टाइगर टेरिटरी है जहां वो घूम रहा है, जहां लोगों को मालूम है कि उसकी दहाड़ सुनाई दे रही है, बहुत से यूट्यूबर्स ने उसकी तस्वीर भी डाली अपने अपने वीडियोस में ब्लॉग्स में, तो बट नेचुरल है कि वहां के आसपास के जितने भी मोहान से लेके चुकम से लेके सुंदरखाल से लेके जो भी उसकी टेरिटरी है, जीरो पॉइंट से लेके जितना भी एरिया है, लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए था, और अकेले तो कतई कहीं नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी अफसोस की बात है भी, आज भी शौच के लिए लोग बाहर जाते हैं, वो भी जंगल एरिया में जहां खतरा 24 घंटे मंडराता रहता। और यही हुआ जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उस जेंटलमैन की जो परसों गुजर गए थे टाइगर अटैक में। बहुत अफसोस की बात है, और ये भी उतनी ही अफसोस की बात है कि उस टाइगर को रेस्क्यू करके ले गए, रेस्क्यू सेंटर में डालेंगे या किसी जू में वो चला जाएगा, क्योंकि ये तो गारंटी है कि अगर उसने दो ह्यूमन की है, ये उसके रिपोर्ट के हिसाब से आ गया, तो उसको दोबारा किसी भी जंगल में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसको ह्यूमंस के ब्लड का जो है टेस्ट आ गया है। अगर किसी और भी टाइगर रिजर्व में उसको रीलोकेट करने की सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा। ठीक है, और बाढ़ लगी हुई है यूट्यूबर्स की इस समय उस जगह चुकम में, क्योंकि बहुत बढ़िया व्यूअरशिप आएगी जब वो दिखाएंगे। और शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस फैमिली को नुकसान हुआ है, हम अगर यूट्यूब से बहुत कुछ कमा रहे हैं तो कुछ हिस्सा उस फैमिली को भी हम डोनेट करें, ताकि सरकार जो हेल्प दे वो दे रहे, बट जो इमीडिएट हेल्प है हम उसको छोटे अपने अपने छोटे छोटे जैसी जैसी हैसियत है करें। एनीवे, ये हो गया, या आप बहुत देखते रहेंगे सोशल मीडिया में, क्योंकि एक बार जब ह्यूमन किल हो जाता है तो यूट्यूबर्स जो है वो फ्लड कर जाते हैं उस एरिया में, बाढ़ लग जाती है उनकी। आज हम टाइगर्स
कि बॉडी पार्ट्स की बेनिफिट की बात करेंगे कि जो टाइगर्स पोच होते हैं जंगल में क्यों होते हैं, उनको क्यों मारा जाता है, पोचर्स क्यों मारते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। आप क्या समझते हो कि खाली पोचर मार जाता है, खाली उसी का शेयर रहता है? ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पोचिंग। इसमें बाहर की कंट्रीज का हाथ है, उनके लोग हैं, बीच में एजेंट्स लगे हुए हैं। जब ये बॉडी पार्ट बाहर जाते हैं, चाहे वो इधर अगर कॉर्बेट की तरफ से जाएंगे तो बहुत ही आसान है कि जो नेपाल का बॉर्डर है वहां से निकाल दिया, नहीं तो फिर टिबेट, जितना भी सामान स्मगल होता है पोचिंग का वो सब वहीं से होता है। और वो इसीलिए होता है कि उसकी बहुत मोटे पैसे मिलता है। और मैं आज कुछ जो टाइगर की बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे काम आते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो लोकल जंगल में रहने वाले लोग हैं ना, वो पुख्ता काम करते हैं। तो जो भी आदिवासी हों या लोकल्स हों, जो जंगलों के अंदर रहा है, जिनकी जीवन ही वहीं बसर रहा, उनको हम इंग्लिश में नेटिव्स भी बोल सकते हैं, तो उनका मानना है कि टाइगर एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर का के कई अंग बहुत लाभदायक है और देसी नुस्खे में उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, बाकी जो मेडिसिनल यूज है उसके लिए तो चाइना कोरिया में बहुत ज्यादा बॉडी पार्ट जो है, चाहे चमड़ा हो, चाहे हड्डी हो, चाहे उसका नाखून हो, चाहे उसके विस्कर्स हो, सब चर्बी सब स्मगल होता है क्योंकि उससे मेडिसिन बनता है। नंबर वन, जंगल में रहने वालों को तो ये तो मानना है कि टाइगर्स का जो दूध होता है ना, कभी नहीं सुना होगा, जैसे कोई छोटा कब टाइगर का पीते हैं दूध तो बड़ी जोर जोर से उसको निपल को खींचते हैं, तो कभी भी अगर वो ड्रॉप थोड़ा गाढ़ा होता है उनका दूध टाइग्रेसिस का, अगर वो ड्रॉप गिर जाता है ना और वो सूख जाता है किसी पत्थर के ऊपर जैसे गिरा और वो सूख जाता है, तो एकदम आपको देखने में ऐसे लगेगा किसी चिड़िया ने जो है लीद कर दी है, वो सफ़ेद टाइप का बन के वो जम गया है। अगर आप उसको स्क्रेप करेंगे और निकालेंगे और उसको चूरा करके अगर आपको जो तरीका मालूम है उसको यूज़ करेंगे, तो कहते हैं कि वो आंखों के लिए रामबाण है। वो इतना प्रभावशाली होता है कि आपकी आंखों की कई बीमारियां दूर कर देता है। तो टाइगर के हर चीज का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त है और वो गांव वालों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। दूसरा, टाइगर की जो चर्बी होती है, ये तो बहुत पुराना मेरी नानी भी बताया करती थी कि कहीं बहुत पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, एल्बो में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो उस जमाने में तो बाम नहीं बने थे, हमारे टाइम पे एक ही चलता था जब मैं यंग था, स्लोन्स करके थी, स्लोन्स बाम या स्लोन्स का तेल, वो रगड़ा जाता था। कई बार मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था और भयंकर इंजरी हो जाती थी हमारी नी में, बहुत पेन हो जाता था, तो जो हमारे मसाज करने वाले थे वो रात रात भर इंफ्रा ले लेके और वो बाम से हमें मालिश करते रहते थे, टाइगर बाम से बहुत रिलीफ मिलता था, अगले दिन एटलीस्ट उठ के खेलने लायक हो जाते थे। इंजरी बहुत ज़्यादा होती थी तब फिर अच्छा है कि ऑर्थोपेडिक को हम दिखा दें। तो टाइगर की जो चर्बी होती ना उसमें बड़ी गर्मी होती है और वो रोमेटिक पेन्स यानी जो जॉइंट पेन्स उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि टाइगर फैट से जो गर्म होती है उसको चाइना ने उसको वर्ल्ड मार्केट में बहुत कैश किया। उनका एक बाम आता था जो बड़ा पॉपुलर था, उसको बोलते थे टाइगर बाम या कहीं कहीं वो चाइना बाम के नाम से भी बिकता था। मैं जब असम जा रहा था बीच में तो ट्रेन में जो बॉर्डर टाउन्स हैं बंगाल के, नॉर्थ बंगाल के, जहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है, नेपाल का सटा हुआ है, वहाँ से ट्रेन के अंदर बेचने वाले कैमरा, ये बाम, बहुत सी जो चीज़ें थी, मैं 80s की बात बता रहा हूँ, जो जल्दी अवेलेबल नहीं होती थी वो चीज़ें आपको ट्रेन के अंदर मिल जाती थी। और मैंने एक बाम लिया था, बाम की इतनी छोटी सी बॉटल, क्योंकि अक्सर इंजरी रहती है नी में,
और जब भी उसको मैं अप्लाई करता था बहुत रिलीफ मिलता था। बट अब उसमें भी डुप्लीकेशन आ गई। कोई भी चीज़ जब पॉपुलर होती है ना तो वो पच ना चल रहे हैं कि उसकी डुप्लीकेशन आएगी, कोई ना कोई एक कंपनी आएगी जो उसी को डुप्लीकेट करेगी और उस बाम का वो इफेक्ट जो टाइगर की चर्बी से बनता है, क्योंकि उसके अंदर मिक्सचर होता है, जब मिक्सचर होगा तो उसका इफेक्ट आपके किसी भी पेन में, जॉइंट पेन में असर कम करेगा। बट जो पहले के बाम आते थे वो मैं खुद इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ। बट आज भी टाइगर बाम मिलता है, बट आज वो इफेक्ट नहीं है। प्लस बहुत अल्टरनेटिव पेन किलर्स के आ गए, स्प्रेज में आ गए, तो अलग अलग कंपनियों के, और ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है उसकी, तो उस हिसाब से वो टाइगर बाम जो था वो दब गया है, उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाई। तो जब भी कोई चीज़ पॉपुलर होती है तभी उसकी डुप्लीकेशन होती है। तो टाइगर की चर्बी बहुत गर्म होती है और जो पुराने लोग गांव के हैं वो उसको चर्बी को थोड़ा सा गर्म करके अपने, जैसे मेरे घुटने में है या एल्बो में या यहाँ पर है, तो उसको गर्म करके ऐसे 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 अप्लाई करके वो सेक देते थे और सेक से तुरंत आराम मिल जाता था। टाइगर के जो पंजे होते हैं पॉस, उसको जो है बहुत लकी माना जाता है, मैंने तो देखा हुआ है। मैं जब असम गया था एक आदिवासी लेडी मेरे बगल में आके बैठी थी, उसके गले में टाइगर के पंजे की माला थी, पीछे तो रस्सी से बंधी हुई थी, तो उसको अच्छे हेल्थ के लिए वो लोग, मैंने जब पूछा कंडक्टर से बस के, मैं उसकी लैंग्वेज तो मेरे को नहीं आती थी, बट जब कंडक्टर से पूछा कि ये माला पहने हुए, कई औरतें देखी कईयों ने अपने इयररिंग्स लगी हुई थी बट माला पहनी हुई थी, तो ये माला बना कर पहनते हैं, हाथों में ताबिस बनाते हैं उससे, तो टाइगर पॉस को ये माना जाता है बैक, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हल्की हल्की बनाते हैं कि उससे जो बुरी आत्मा है, इविल स्पिरिट जो आपके इर्द गिर्द भटकती है, उनका उनकी मान्यता ये गांव वालों की कि वो आपके पास नहीं आएगी। अगर आप पंजे से बनी हुई कोई चीज़ अपने पास रखते हैं तो जो भी इविल स्पिरिट होगी वो नहीं आएगी। आपने तपस्वी लोग जो रहते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, वो हमेशा टाइगर का पंजा अपने पास रखते हैं, चाहे उसकी माला बनाए, चाहे उसके हाथ में बना के बैंड बना के पहने, तो उससे यही रहता है कि जो बला है वो टल जाती है। तो ये अपने तपस्वी भी करते हैं, खाली ये गांव के लोग नहीं करते थे, ये अपने यहाँ से बहुत तपस्वी है, मैंने खुद देखा हुआ है। दूसरा, जो टाइगर का शोल्डर का कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या होता है, कंधे की नरम हड्डी, उससे ये लोकल्स ऑर्नामेंट्स बनाते थे, उस हड्डी को लेके फिर हल्का एक टिप पे गोल्ड या सिल्वर लेके वो बना लिया और उसको फिर पहन लिया, गले में पहन लिया या हाथ में पहन लिया, तो वो ऑर्नामेंट्स उस हड्डी के अंदर, वो कहते थे कि एक शक्ति होती थी और वो खूबसूरती देती थी उस ऑर्नामेंट को, क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर के कोने होते थे, तो गले में खासकर वो बहुत पहना जाता था, इवन तांत्रिक पहनते हैं उस चीज को। तो आप समझ रहे हो कि टाइगर के कितने पार्ट्स यूटिलिटी के हैं इंसानों के लिए। बाकी टाइगर के जो विस्कर्स हैं, पूंछे जिसको बोलते हैं, उसकी जो टिप होती है ना, पुराने जमाने में लोग इसको काट के चॉप कर देते थे, टुकड़े छोटे 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 टुकड़े करके फिर पीस देते थे। जो आदिवासी थे जिनका झगड़ा होता था, ट्राइबल्स होते थे, एक गांव का दूसरे गांव से झगड़ा है, तो वो क्या करते थे, खाने में मिला के उसका पाउडर डाल देते थे, और उसका जो पाउडर है वो अगर कोई खा लेता था, खाना जैसे है चावल में मिला दिया, उसको पता भी नहीं लगता था, चावल दाल में मिला दिया या किसी भी डिश में मिला दिया, और जो भी खा लेता था
उसके लिवर में उसका सीधे सीधे यानी गुर्दे में सीधा उसका असर पड़ता था। उसका लिवर जो था उसके अंदर जो छेद होते हैं वो बढ़ते जाते थे और बहुत से केस में लोगों की डेथ हो जाती थी। तो गांव के लोग दुश्मनी निकालने के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ बगैर प्रूफ दिए हुए अगर उसको मारना है तो ये पाउडर रखते थे उसके विस्कर की। अब इसमें कितनी सच्चाई है विस्कर वाले मामले में तो मैं नहीं जानता, बट ये मान्यता है मेरे को बताई गई थी कि उसका भी काम करते थे। बाकी टाइगर के जो पार्ट्स है जिनका मेडिसिनल यूज चाइना में है, आप सभी जानते हो टाइगर के बोन्स जो हड्डियां हैं वो तो गजब का काम करती हैं। अल्सर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डिसेंट्री है, बर्न्स है जो जल जाता है, और इवन रूमेटिज्म पेन जॉइंट पेन्स उसमें काम आती है। और भी कुछ जो एसेंशियल टाइगर के जो मूत्र जहां से निकलता है उसको चाइना में मेडिसिनल यूज के लिए मेल्स लेते थे अपनी काम शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो उसका कोई भी हिस्सा, चमड़ी तो छोड़िए, चमड़ी तो अब आजकल लाखों में या करोड़ में चली जाती है, सिवाय उसके मांस के। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ ट्राइबल्स जो थे वो उसका मांस तक नहीं छोड़ देते, वो उसको इस तरह प्रिपेयर करके खाते थे क्योंकि गर्म होता है बहुत मीट, क्योंकि वो खुद मीट ईटिंग एनिमल है। बट सुनने में आया है कि कुछ ट्राइब्स थे जो मीट तक कोई यूटिलाइज कर लेते थे टाइगर का। तो कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है टाइगर का जो काम नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम टाइगर इटसेल्फ इज अ बहुत ब्यूटीफुल जानवर है, ताकतवर जानवर है, जंगल का किंग माना जाता है। जिस रिजर्व फॉरेस्ट में टाइगर्स ज्यादा होते हैं वहां सैलानी बहुत आते हैं, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े रिसोर्ट तक होटल तक, क्योंकि वही एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग आते हैं जंगलों में। तो टाइगर के कितने बेनिफिट्स हैं वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टाइगर का जंगल में होना हमारे फॉरेस्ट के लिए कितना अच्छा है, लाभदायक है। बट उसके बॉडी पार्ट्स जो लोकल्स के हिसाब से उसको यूज करते हैं, चाहे वो एज ए मेडिसिन यूज करते हो, चाहे उसको जो है किसी से दुश्मनी हो, तो उसमें उसके विस्कर्स को मैंने बोला पीस के वो डालते हैं खाने में, उससे लिवर जो है इलाज हो जाता है या लिवर की जो छेद होते हैं वो बड़े हो जाते थे और अल्टीमेटली बहुत बार जो बंदा लेता था उसकी हेल्थ बिगड़ जाती थी और उसकी मौत भी हो जाती थी। तो इस जानवर के अंदर उसके पार्ट्स में बहुत खूबियां हैं जो बहुत कम जानवरों में होती है। हो सकता है लेपर्ड्स के पार्ट में भी कुछ हो, बट मैंने ये सुना नहीं। टाइगर के पार्ट्स के बारे में तो बहुत मैंने पढ़ा और सुना भी। तो इसको जो अद्भुत जानवर बोलते हैं ना टाइगर को, वो इसीलिए भी कि वो जंगल का राजा भी है, खूबसूरत भी है, रॉब भी है, लोग उसकी तरफ आते ही उसको देखने के लिए हैं, और उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी जो पोचिंग होती है, उसको जो मारा जाता है वो क्यों मारा जाता है आप समझ गए होंगे कि उसकी कोई भी बॉडी पार्ट के बहुत ही कम हिस्सा है जो अनयूज्ड उसका यूज होता है। तो मैंने सोचा कि बहुत बार मैं बोल चुका हूं और चमड़ी तो आप भी जानते हो कि आज मैं यहां बोल रहा हूं कहीं ना कहीं पोचिंग हो रही होगी, यू कैन नॉट स्टॉप इट। अभी काजीरंगा में कल मैं पढ़ रहा था, काजीरंगा में एक राइनो को AK-47 से मार दिया उसके हॉर्न के चक्कर में, तो बहुत महंगा जाता है, उससे मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है, चाइना जाता है, कोरिया जाता है। बहरहाल एक हफ्ते के अंदर जो कल्प्रिट था वो पकड़ लिया गया। तो ये आप वही तो कह रहा हूं कि आज मैं जब आपको ये स्टोरी बता रहा हूं बहुत जगह हरकतें हो चुकी होंगी रात में या दिन में हो जाती होंगी,
और उसमें अकेला वही पोचर नहीं रहता, एक बड़ी लंबी चेन है जिसमें लोग रहते हैं। इवन फॉरेस्ट के कुछ डिपार्टमेंट के लोग उसमें मिले रहते हैं, जो यहाँ बताते हैं कि यहाँ ड्यूटी किसकी है, कौन नहीं है, यहाँ से जानवर कौन सा है, कितने हैं, इतनी इंफॉर्मेशन एक पोचर के लिए बहुत होती है। पोचिंग करने वाले कुछ ट्राइब्स होते हैं, वो बड़े डेयरिंग होते हैं। अब जंगल में जाके बड़े जानवर को पकड़ने के लिए कोई कम हल्का दिल वाला तो नहीं जाएगा ना, जिसके पास जिगरा होगा और इसके बाद वो एक्सपीरियंस होगा जंगलों में जानवरों को टैकल करने की, वही जाएगा और वही उनको मारेगा और फिर उसको उनके बॉडी पार्ट्स उठाएगा। इवन उनके दांत के बारे में सुना है कि उसके दांत भी काम आते हैं, हड्डियां तो खैर बहुत काम आती है और भी हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कभी और किसी वीडियो में थोड़ी डिटेल्स और डालूंगा। बहुत चाइना के अंदर कंपनी जो इस पे काम ही कर रही है। मेरे एक अंकल हैं जो इसमें तो थोड़ा सा बीमार है, उन्होंने मेरे को बहुत सी चीजें बताई थी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है और क्योंकि वो कम्युनिस्ट है वो चाइना उनका आना जाना होता था। क्या वो मेरे से बोल रहे थे कि अभिजीत इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसकी कि जो टाइगर्स के जो पार्ट्स आते हैं उससे जो मेडिसिन बनती हैं वर्ल्ड ओवर सप्लाई होती है, लोगों का बिलीव है उसके ऊपर कि चाइना ने ये बना के दिया है ना? उसके कई ऐसे पार्ट्स हैं जो सीक्रेट पार्ट्स हैं उसके, उसका सूप बनता है स्ट्रेंथ के लिए। तो सोचिए कि क्या जानवर है। इसीलिए कहते हैं ना कि विचित्र जानवर है, इसको पूरा समझना बहुत मुश्किल है, बरसों लग जाएंगे इसको समझने में, इसके अंदर से क्या क्या चीजें ऐसी है। इंसान विद्वान है तो समझ गया कि ये जानवर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, खूबियां क्या है। मर तो बहुत से जानवर जाते हैं, उनकी हड्डियों का कितना काम आता है ना? तो अभी मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत हो गया, और उम्मीद करता हूं कि ये जो खास चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे कंटेंट बहुत अलग होते हैं, मैं हो सकता हूँ जंगल नहीं जा पा रहा हूँ और मैं जंगल जाके दिखाने वाला हूँ, व्यूअरशिप बहुत मिलती है उससे, मेरे को मालूम है। मैं देखता रहता हूँ कि जो नए नए आ रहे हैं, बट दे आर इनसाइड द जंगल और जाके दूर से दिखा रहे हैं, बट मैं जो ये महान और चुकम में जो भी हुआ ह्यूमन किल कल टाइगर की वजह से, जितने यूट्यूबर्स इस फिराक में होते हैं कि टाइगर मिल जाए उसको हम फिल्म कर लें और फिर डाल दें, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, दे बेटर बी केयरफुल। उनको खास कर कॉर्बेट में, कॉर्बेट का अब वो हाल हो गया है मेरे हिसाब से, जो एक टाइम पे सुंदरबन बदनाम था पैरिटर्स के लिए। सुंदरबन की न्यूज अब कम आने लगी है क्योंकि वहां बहुत से मेथड्स फॉरेस्टर्स ने ले लिए सेफ्टी के लिए, लोगों को जंगल के अंदर कैसे ना जाने दें। बट फॉरेस्ट कॉर्बेट के अंदर इतनी बस्तियां बन गई हैं, एक तरफ तो आप कहते हो कि गांव में उन लोगों के पास अपना जो है बाथरूम तक नहीं है, और बाथरूम तक है तो घर से दूर बना हुआ है, रात को आप जाएंगे जंगल के बगल में कोई भी दबोच लेगा, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया। और एक तरफ बगल में रिसॉर्ट्स है डिकुली की तरफ, और अगल बगल जितने भी रिसॉर्ट्स है वहां सब फैसिलिटीज है, बिजली है, सेफ्टी है, सब कुछ है, सरकार ने उनको सब दे दिया है, बट अपने ही जो लोकल्स हैं उनके लिए जो उनकी पॉलिसी क्यों ऐसी हो रही है कि वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों करंट वाले तार पूरे इसके बगल पड़ने लगे, गांव में नहीं लगे, छोटे छोटे गांव हैं, कोई 25 घर का है, कोई 30 का है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग बहुत अपना गाँव घर ताला लगा के नीचे की तरफ चले गए सेफ एरियाज में, कि कौन इस चीज को रोज झेलेगा। बच्चों को पढ़ने जाना है जा नहीं पा रहे हैं, डर से नहीं जा रहे हैं, इंसान को काम करने जाना है खेत पे जा नहीं पा रहा है, मारे डर के कि कहीं तेंदुआ अटैक कर देगा कि टाइगर अटैक कर देगा, क्या मालूम वो एरिया इफेक्टेड आज से नहीं है। मैं जब छोटा था दादी के गाँव जाता था तब से सुनता रहता था, बट तब ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक नहीं होता था, अगर तब 10% होता था अब 70% होने लगा, ये हालत हो गई।
तो अभी के लिए इतना ही करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़, क्योंकि मेरे कंटेंट्स बहुत अलग होते हैं, मैं बहुत स्टडी करता हूँ किस चीज़ को, प्लस एक्सपीरियंस है मेरे पास। बट द ओनली थिंग इज़ कि मैं अभी फॉरेस्ट में नहीं, आज मैं यही फॉरेस्ट के अंदर खड़ा होकर ये बोल रहा होता ना, पीछे पहाड़ दिखते, आपको जंगल दिखता, तो वो अलग होता। और मैं उनमें से भी नहीं, अगर मैं परसों के दिन कॉर्बेट होता भी ना, तब भी मैं नहीं जाता वहाँ कि मैं उसको कवर करूँ। मेरा काम कवर करना नहीं, मेरा काम है जो फैक्ट्स एंड स्टोरीज मेरे को मालूम है जंगल के बारे में, अपने एक्सपीरियंस से, अपने जानने वालों के थ्रू, वो मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। तो आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।